हर हिंदू सबके दिल में ये बात नहीं है दंगा फसाद करने का। कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, जो इसको उकसाते हैं और आग लगाना चाहते हैं। यहाँ नेहा के घर वाले थे, घर में थे कि फरार हो गए थे? सब थे यहाँ के, आके रो रहे थे लोग, सब रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे। हाँ, सब नेहा भी आई थी यहाँ, सब रो रहे थे लोग। प्राचीन दानेश्वर नाथ ये मंदिर काफी चर्चे में उस समय आया जब इस मंदिर के पुजारी को मार कर फेंक दिया गया था, उस समय ये काफी चर्चे में चल रहा है ये मंदिर। चलिए इसमें हम बताएंगे एक एक पल, कई पहलू इसमें आ रहा है, प्रशासन कुछ और बता रहा है। प्रसंग में ही क्योंकि मृतक के द्वारा युवती को ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो युवती और उनके परिजन के द्वारा जो परिजन है कुछ अलग ही बता रहे हैं। हम जानेंगे एक एक चीज के इस मंदिर के बारे में। सबसे पहले हम बताएंगे यह जहां मंदिर है वहां पे चारों तरफ मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम लोग रहते हैं और उनके बीच में ये मंदिर है। चलिए उस दिन क्या हुआ था, आखिर उसे मारा के क्यों गया उस पुजारी को। पुजारी का नाम बताया जाता है मनोज शाह है, जो अपने दोस्त के साथ में रोज यहाँ पे कंठी माला धारण किए थे और इसी मंदिर में वो रहते थे। देख सकते हैं कितना खूबसूरत भी है ये मंदिर। कहीं ना कहीं रात को ये तीन आदमी इसमें रहते थे, लेकिन अचानक 10 तारीख को होता कुछ ऐसा है कि पुजारी अपने घर से तो अपने साथी के साथ, जो दोस्त साथी है हैप्पी और रवि है, जो कहीं ना कहीं तीनों आदमी एक साथ सोते थे, लेकिन उस दिन अचानक ऐसा हो जाता है कि सोते समय जो पुजारी का कपड़ा होता है वो कुछ अलग होता है, लेकिन उस रात वो कपड़ा नहीं बदलते हैं। उनके दोनों साथी के द्वारा ये बताया गया है कि ऐसा लग रहा था वो कहीं जाने वाले थे और प्रेशर देकर हम लोगों को वहां पे सोने की दबाव बनाने लगे। जब हम लोग सो गए लगभग 12:30 बजे रात को, पुजारी अपने घर से बाहर निकलते हैं और गेट में ताला मारकर और उसमें झांक कर देखते हैं कि हैप्पी और रवि सोए हुए कि नहीं है। उसके बाद से अपने पुराने प्रेमिका, जिस प्रेमिका का बात इसमें आ रही है, वो पुरानी प्रेमिका है जिसका कुछ दिन पहले ही उसका शादी हुआ था और किसी शादी में वो यहाँ पे आई थी, और आई थी तो इसी मंदिर में पूजा करने के लिए आई थी, पूजा करने के लिए आई थी, जिसमें मनोज साहब पुजारी जो है वो कहीं ना कहीं उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिसका वो विरोध करती है। विरोध करते समय जाकर अपने घर पर बताती है। उसमें एक और बात बताया जाता है, कहीं ना कहीं पुराना जो वीडियो था, अश्लील वीडियो था, उस वीडियो को वायरल करने के लिए वायरल के नाम पर उस लड़की पर, उस प्रेमिका पर प्रेशर बना रहे थे पुजारी, दबाव बना रहे थे, जिसके वजह से वो घर पे साजिश रचा जाता है। वह साजिश के तहत उस पुजारी को रात को बुलाया जाता है। जब पुजारी यहाँ पे 12:30 बजे रात को इस ताला मार के इस मंदिर का, और वो चले जाते हैं अपने प्रेमिका से मिलने के लिए। चलिए जैसे ही घर पे वो पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद से जो घर पे साजिश चल रही थी, उस साजिश के तहत उनको पकड़ के बांध दिया जाता है बाथरूम में। बांधने के बाद से उनको 3 दिन तक बिना खाए पिए उसमें रखते हैं। रखने के बाद से 3 दिन के बाद से कहीं ना कहीं उनको मारते हैं, और मारते भी ऐसे बेरहमी से मारते हैं जिसे देखकर अंदाज़ा ये लगाया सकता है कहीं ना कहीं जो गुस्सा था, नाराजगी था, वो कहीं गुप्तांग को काट दिया जाता है और हाथ को भी काट दिया जाता है और अपने घर से 300 मीटर के दूरी पर ले जाकर फेंक दिया जाता है, जिसके बाद से ये मंदिर कहीं ना कहीं चर्चे में आ जाया है। चलिए इसमें एक प्रशासन भी कहीं ना कहीं उद्भेदन देते हुए इस नेहा को अपने गिरफ्त में लेती है, जांच लेती है, पूछती है। पूछने के बाद से मामला कहीं कुछ ऐसा पहुंचता है कि नेहा अपने पूरे किए कारनामे को स्वीकार लेती है, और नेहा के द्वारा ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं ये मेरा वीडियो बनाकर और उसे वायरल करने के दबाव प्रेशर बनाता है, जिसके वजह से हम इसको मार दिया गया है। लेकिन बस मामला यही नहीं है, स्थानीय जो परिजन लोग हैं, परिजन और कुछ यहाँ पे बगल में कुछ लोगों का घर है, तो उन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। थाना प्रभारी वहाँ अपने संरक्षण और अपराधियों का मन बढ़ाने का काम कर रहा है। इन्होंने आज तक जिसका नाम दिया एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया। कहीं नेतागण भी इसमें अब शामिल हो गए हैं और हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड को खेलना भी शुरू कर दिए हैं। बात अब ऐसा बताया जाता है कि थोड़ी देर पहले हम आपको बताया था कि जहां ये मंदिर प्राचीन मंदिर है, यहां पे आसपास में मुस्लिम आबादी है और कहीं ना कहीं पहले से इस जमीन पर मुस्लिम के द्वारा विवाद चल रहा है, जो कोर्ट में भी चल रहा था। इसको सब लेकर एक हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम के द्वारा यहाँ पे उस पुजारी को मार दिया गया है। लेकिन प्रशासन इस चीज को नकारते हुए साक्ष्य के साथ में नेहा को पकड़ के जेल में डाल दिया। वही बात करें यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के, तो मुस्लिम समुदाय भी यहाँ से यहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि बहुत पहले से ये मंदिर है, कोई नया पे मंदिर नहीं है और हमारे पुजारी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जमीन से है तो कोर्ट में चल रहा है, इससे हमको कुछ नहीं लेना देना है। ऐसा खूबसूरत चेहरा भी हम यहाँ पे लेकर आ जा रहे हैं, जहाँ पे एक मंदिर के साथ में यहाँ पे दो मुस्लिम समुदाय के लोग भी है और यहाँ के कहीं ना देख रेख में भी इनका सहयोग रहता है, और इसके विषय में जो सबसे ज्यादा बताएंगे तो ये दोनों आदमी बताएंगे। चलिए क्या नाम पड़ेगा सर आपका? बसरुद्दीन खान। बसरुद्दीन खान जी, ये मंदिर कब से बना भैया? मंदिर तो जन्म जुगी है, हम लोगों के जन्म से भी पहले, हमारे बाप दादा से भी पहले का है।
बहुत प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर है। अच्छा, पुजारी को लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ से आसपास में लफड़ा चल रहा था, कहीं आसपास में चारों तरफ मुस्लिम समुदाय है, मारा गया, इस पे कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल गलत बात है, बेबुनियाद बात है। बात है क्या? बात ये उसके लव मैरिज का बात है, ये लव की बात है, प्यार वाला, प्यार मोहब्बत की बात है। अब उसने इसमें जोड़ दिया गया जमीन का मामला, यहाँ और कोई फालतू बातों का मामला, ऐसा कुछ है नहीं इस बस्ती से, शांति और कोई बस्ती है भी नहीं। अच्छा, उनको मानेंगे? पुजारी थे वो, हम भी देखे हैं, वो अपना जाते थे तो लिंग धोते थे, कंठी माला पहनते थे, वहाँ पानी से सब अच्छा करते थे, उसका बाद यहाँ लिपाई करते थे, हम डेली यहाँ रहते थे, डेली देखते थे, उसका बाद अपना रामायण पढ़ते थे। इसको इसको हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है? ये कार्ड ही है, ये कार्ड है सर, कार्ड है ये जमीन का लफड़ा कोई नहीं है, ये सारा जमीन हम ही लोग का है, लेकिन आज तक कोई लफड़ा नहीं हुआ है, कोई लफड़ा नहीं हुआ है, समझ गए हैं? एक लफड़ा है जो कोर्ट में चल रहा है आप लोग। वो जमीन का मैटर अलग है सर, जमीन का वो अलग, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अलग है, समझ गए ना? बताया जा रहा है कि वो लड़की पहले से इसका प्रेमिका थी, प्रेमिका थी शायद, हो सकता है, लेकिन हम लोग नहीं देखा, सुनने में आया है कि इसकी प्रेमिका थी और पहले से थी, पहले से, हाँ, लेकिन अभी फिलहाल तीन शायद दो ढाई महीना तीन महीना पहले लड़की की शादी हो चुकी थी। अब लड़की का इज्जत कोई उछालेगा या धमकी देगा कि हाँ उसका वीडियो वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मजबूर होकर वो कोई गलत काम करेगी। अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले कौन सा, यहीं का स्थानीय लोग हैं, ये इधर के हैं? देखिए, हर हिंदू इस बात को पसंद नहीं करता है, दादा के बचपन के ज़माने से ये ओपन हुआ है। कैसे कैसे ये ओपन हो गया, क्या उस समय की कहानी? देखिए, उस समय की कहानी है कि यहाँ हम लोग का खलिहान हुआ करता था धान का या गेहूँ का, ये ऊँचा जगह था थोड़ा, बाकी सब डाउन एरिया है, तो अक्सर खलिहान जो है ऊँचे जगह पर होता है। तो एक मुसहर थे जो अपने यहाँ मूस बोलते हैं ना चूहे को, वो खोदते 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 नीचे चले गए, चार फीट पाँच फीट नीचे गए और धान का बाल निकलता गया, इस लालच में वो खोदते चले गए। लास्ट में कुदाल जो है शिवलिंग के ऊपर पड़ा, शिवलिंग टूट भी गया ऊपर से थोड़ा सा, तो जाकर खान साहब लोगों से बोले कि ऐसा ऐसा बात है, एक पत्थर निकला है वहाँ। तो उन लोगों ने बोला कि कैसा पत्थर, चलो, तो कोई आया देखा, तो देखा कि उसकी साइज शिवलिंग की तरह है। वो लोग बोला कि इसको क्लियर करो थोड़ा, बिल्कुल क्लियर जब वो लोग कला दिया, तब जो लोगों को जानकारी था वो लोग बोले कि देखो पहले इस किनारे से कोई नदी निकली थी, यानी 150-200 साल पहले, हाँ, तो नदी के किनारे ये शिवलिंग था, उस ज़माने में यहाँ पूजा वूजा होता था, ये वही शिवलिंग है जब जमीन या भूकंप हुआ था उस टाइम सब समतल हो गया था, बराबर हो गया था, ये वही चीज़ है, इसको खोदो क्लियर करो, ये पूजा का जगह है। फिर इन लोगों ने राजा को खबर दिया, राजा की तरफ से एक छोटा सा कोठरी बना दिया गया यहाँ, माझा राज, उसके बाद पूजा शुरू हो गया। तो उस टाइम सिर्फ 5 घर ही पठान थे, अगर वो लोग चाहते तो फिर मट्टी बराबर करवा दिए होते, लेकिन उनके दिल में ये चीज़ था कि हाँ ये कोई शक्ति है, कोई देवता है, इसको ओपन करो ताकि यहाँ पूजा पाठ होगा। तो हम लोगों के बाप दादा ने ऐसा किया तो हम लोग इनसे नफरत क्यों करेंगे, ये तो सबके लिए हैं, ये पूरे विश्व के लिए हैं, ये सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है ना, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सबके लिए आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमको हम इनसे नफरत करेंगे तो नुकसान हमारा होगा, इनका क्या बिगड़ेगा? इंसान को अपना सोच बदलना चाहिए, ये हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं है, इंसान सिर्फ इंसान है। चलिए, बॉडी यहीं पे मिला था ना? हाँ, यहीं पे मिला था। कैसे पता लगा आप लोग? औरत पतहर काटने आए थे लोग, उन्हें लोग जाकर बोले जो वहाँ पर बॉडी पड़ा है, तो फिर सब आए लोग यहाँ पर, तो मालूम पड़ा जो हाँ बॉडी यहाँ पर है। अच्छा, बढ़िया में से बास भी आ रहा था ना? बहुत बास आ रहा था, यानी पहले का मारा गया था। ऐसा ही लग रहा था। क्या लगता है आपको, कैसे लगता है कौन मारा है आखिर आपके? हाँ, हमको ये समझ में नहीं आता है जो कौन मारा है, कैसे हुआ है, हमको नहीं समझ में आता। पुलिस तो बता रही है आप ही के गाँव के जो नेहा कुमारी का नाम इसमें आ रहा है, नेहा देवी के, नेहा कुमारी का, ये हमको नहीं मालूम पड़ रहा है। अच्छा, इससे पहले प्रेम प्रसंग था दोनों का, आपको जानकारी है कुछ इसके बारे में? इतना हमको मालूम नहीं है, हम कमाने खाने वाले हैं, टेम्पो वम्पो चलाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, दिन भर कमाते हैं, बाल बच्चा चलाते हैं अपना, ये क्या कौन करता है हमको ये कुछ समझ। अच्छा, आपके भाई मंदिर पे पुजारी थे? मंदिर पर पूजा करने जाता था, ये पूरा गाँव का लोग जानता है, जहाँ पूजा करता था वहीं पर रहता था, वहीं पर सोता था, खाना खाने आता था। अच्छा, खाना खाने के लिए घर पे आते? हाँ, खाना दो टाइम ले जाता था वहाँ भोग लगाने, वहाँ पर फिर सुबह में भोग लगा, 12 बजे भोग लगाता था, सुबह में लगाता था, 4 बजे भोग लगाता था, 4 टाइम भगवान का भोग। एक तरह से पटीदार थे नेहा के घर वाले और आपके घर वाले पटीदार की तरह? हाँ, ऐसे। तो फिर इसमें बीच में प्रेम की कहानी आ गई है, मतलब समझ में नहीं आ रहा? कुछ हमको नहीं समझ, आपका भी समझ में नहीं आ रहा है, आपके परिवार वाले भी मतलब संशय में पड़े हैं कि सच में क्या हो गया? हाँ, यही सबको संशय है कि क्या हुआ है, कैसे ऐसा हो गया। अच्छा, इसमें बात एक और आ रहा है कि आपके भाई जो है मुखिया
मुखिया है ना आपके भाई, तो वो नेहा कुमारी के घर में जब जिस दिन से गायब थे 10 तारीख से आपके भाई, तो 11-12 तारीख के नेहा कुमारी के घर में जाकर तलाशी लिए हुए थे। हाँ, ऐसे सबको बोल रहे थे जी थोड़ा देखो, देख लो, सबको देख लो जी, अगर कोई ऐसा होगा तो देख लेंगे। नहीं लेकिन कुछ नेहा कुमारी के घर में ही क्यों जाते थे, मतलब शक था पहले से? शक नहीं था, लेकिन ऐसे बोले जी थोड़ा मोबाइल में जो नंबर आया था ना, नंबर के हिसाब से। नहीं, नेहा के घर में क्यों जाँच करने के लिए आपके भाई जाते थे? वो पुलिस बोला था जी यहाँ पर भी नंबर आया है, नंबर के हिसाब भी था आपके भाई के मोबाइल में, आदित्य नाम लड़का के नाम था उसका था, तो वो बोले जी नंबर आया है यही, तो थोड़ा देखो नंबर के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, नंबर के हिसाब से आपके भाई नेहा के घर में जाते थे चेक करने। हाँ, बोले पता नहीं चला। नहीं पता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है। सुरेश है, आप मनोज शाह के भाई हैं? हाँ भाई। चलिए।